हम जो बात करने वाले हैं, भैया मेरी आवाज भी आ रही है ठीक? हाँ बढ़िया है, आवाज ठीक। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हमने हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग और फैमिली इतनी बात तो कर ली, इतना अगर काम हो जाए, इतने के साथ अगर हमारा प्री रिक्विजिट वाला काम हो जाए, अब हम समाज की बात कर सकते हैं, अब हम समाज में जीने की बात कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमको समाज के बारे में कुछ ऐसे फंडामेंटल ध्यान में आते हैं जहाँ पे समाज को जो है एक नए देखने की नई दृष्टि बनने लगती है। तो जैसे ये बात करें, हमने ये बात तो ध्यान में आ कि जो परिवार है वो ही एक बिल्डिंग ब्लॉक है या एक बेसिक यूनिट है ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन ठीक से देखें जो सोसाइटी है ना, वो कोई अलग बात नहीं है, वो बेसिकली हमारे परिवार का ही एक्सटेंशन है। इतनी बात जरूर है कि हम उसको अलग करके देखते हैं, हम उसको अपना परिवार का पार्ट देख नहीं पाते, इसीलिए हमको लगता है कि हमारा परिवार एक अलग बात है और सोसाइटी कोई दूर की बात है। तो वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है, वो जो इंटर रिलेटेडनेस है, वो कहीं ना कहीं अभी हमारे नोशन में नहीं रहता। तो हमको लगता है कि सोसाइटी में जो काम करना है वो तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट का काम है, वो तो कुछ जो है एनजीओस का काम है या सरकारों का काम है ना। ठीक से देखें तो समाज क्या है, बेसिकली वो परिवारों का समूह है। तो बहुत सारे परिवार जब साथ में मिलके रहते हैं और एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, तो इसी को समाज कहेंगे। तो इस सेशन में हम तीन इश्यूज को एक्सप्लोर करेंगे। एक तो अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल का गोल क्या है, तो इंडिविजुअल के गोल को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। अब हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल का जब वो समाज के एक हिस्से के रूप में जी रहा है तब उसका गोल क्या है। पहले बात की थी एक इंडिविजुअल की, अब बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जब समाज में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका गोल क्या है। और फिर ये बात करेंगे कि समाज के उस गोल को पूरा करने में हमको कितने सिस्टम बनाने पड़ेंगे, किस तरह के सिस्टम बनाने पड़ेंगे। और तीसरा इशू है कि कितने वाइड लेवल पे जाके कितना स्कोप के साथ उन सिस्टम्स को बनाएंगे। तो इन तीन इशू को समझेंगे कि एक ह्यूमन का एज पार्ट ऑफ सोसाइटी क्या गोल है, किस तरह के सिस्टम्स बनाने हैं उस गोल को पूरा करने में, और उस सिस्टम का स्कोप क्या है। तो इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। समाज को समझना क्यों जरूरी है, समाज में जीना क्यों जरूरी है, अगर इस बात को देखने जाएं तो ये बात ध्यान में आती है कि समाज कोई अलग बात नहीं है, ये मेरे परिवार का एक्सटेंशन ही है। परिवारों में तो हम सारे मूल्यों को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं और उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं। जीने जब जाते हैं तो हम समाज में जीने जाते हैं और परिवार उसमें शामिल ही रहता है। तो जब हम समाज में जी रहे हैं तो परिवार अलग नहीं है, परिवार समाज का भाग है। समाज में जीना हमारी नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि अगर समाज ही ठीक नहीं होगा, अगर समाज ही सुंदर नहीं होगा, तो फिर हम अपने बच्चों की शादी कहाँ करेंगे। अगर समाज में कोई आपके जैसे माइंडसेट के विचारों वाले परिवार ही नहीं होंगे, तो अपने बेटे की शादी कहाँ करेंगे, अपनी बेटी को किस परिवार में भेजेंगे। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि समाज कोई अलग बात नहीं है, बेसिकली मेरे परिवार का ही एक्सटेंशन है, और बेसिकली मेरा जो परिवार है ये समाज का एक छोटा हिस्सा है। इस बात को, इस इंटरकनेक्टेडनेस को फील कर पाना, देखना बहुत जरूरी है। अब तीन बातें यहाँ लिखी हैं, आप उनको अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देखिए। मैं यहाँ पूछ रहा हूँ आपसे, आप उसको अंदर महसूस करके देखिए। फैमिलीज लिविंग टूगेदर इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट हैविंग कॉमन गोल। तो परिवार जो है साथ साथ में रह रहे हैं, उनका म्यूचुअल फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहे हैं, कॉमन गोल है। दूसरा है पीपल लिविंग टुगेदर नॉट फैमिलीज बट नॉट इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट हैविंग डिफरिंग गोल्स। और तीसरा है पीपल लिविंग सेपरेटली इन अपोजिशन और स्ट्रगल हैविंग कंफ्लिक्टिंग गोल्स। तो तीनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है? परिवार जो साथ साथ रह रहे हैं कॉमन गोल के लिए, लोग जो साथ साथ रह रहे हैं बट डिफरिंग गोल्स के साथ, लोग अलग अलग रह रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं और अपोजिशन में हैं, कन्फ्लिक्टिंग गोल्स के साथ हैं। तो हम इसको थोड़ा रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, व्हाट इज डिजायरेबल। फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, पीपल लिविंग टुगेदर बट नॉट इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट, पीपल लिविंग सेपरेटली इन अपोजिशन और स्ट्रगल। तो पहले पहले पे ठीक से रिफ्लेक्ट किया जाए कि क्या डिजायरेबल है, क्या चाहते हैं, है ना। फिर दूसरे को देखें कि आज की सिचुएशन क्या है। अगर जैसे आज परिवारों को देखें तो आज के दिन जो है सबका गोल कॉमन दिखाई देता है। जैसे अगर एक गांव को देखें और एक गांव में मान लीजिए 100 परिवार है, 100 परिवारों का गोल जो है वो कॉमन दिखाई देता है या डिफरिंग दिखाई देता है या कंफ्लिक्टिंग दिखाई देता है। तो चाहते क्या हैं पहले इस पे बात कर लें, है ना। फिर ये देखें कि आज कहाँ खड़े हैं, व्हाट इज आवर प्रेजेंट स्टेटस।
काफी लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो है परिवार वही है या समाज वही है जहाँ पे गोल कॉमन हो, है ना। तो ये बात तो सबके ध्यान में आ गई है, लेकिन अगर आज हम देखने जाएं तो कहाँ खड़े हैं, तो मेजोरिटी ये देख पाती है कि लोग साथ में तो रह रहे हैं लेकिन म्यूचुअल फुलफिलमेंट का रिश्ता है ऐसा नहीं है, है ना। तो अगर ठीक से देखें तो पहली जो सिचुएशन है यही समाज है, जो दूसरी सिचुएशन है वो तो भीड़ है, और जो तीसरी सिचुएशन है वो तो लड़ाई का मैदान है। तो समाज उसी को बोलेंगे जहाँ पे परिवारों का गोल कॉमन है, सभी लोग एक ही अर्थ में चल रहे हैं। एक आदमी पैसा एक परिवार को देखें पहले, एक आदमी पैसा कमाने के लिए रात दिन लगा रहता है, एक आदमी आध्यात्मिक विकास में लगा हुआ है, ये कॉमन गोल है या ये डिफरिंग गोल है। तो अगर हस्बैंड को करोड़ों कमाना है और वाइफ को अपनी मानसिक उन्नति के लिए काम करना है, ये कॉमन हो गया या डिफरिंग हो गया, ये डिफरिंग हो गया। एक बाप को पैसा कमाना है, बेटे को समाज सेवा करनी है ना, वाइस वर्सा, ये कॉमन या डिफरिंग हो गया, ये डिफरिंग। एक आदमी को पेड़ लगाना है, दूसरे को पेड़ काट देना, जंगल काट देना है, ये कॉमन गोल हुआ या ये कन्फ्लिक्टिंग गोल हो गया। तो अगर एक देश को देखें, एक देश को जो जंगल का रिजर्व है वो बढ़ाना है, और एक देश ऐसा है जिसको जंगल का रिजर्व खत्म कर देना है, तो ये कॉमन गोल है या ये कन्फ्लिक्टिंग गोल है, ये कन्फ्लिक्टिंग गोल है। तो ठीक से देखें, आज के दिन हमारी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस तीनों में से क्या है, कॉमन गोल हो, डिफरिंग हो या कन्फ्लिक्टिंग हो, और आज की प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कॉमन है, क्राउड है या बैटल फील्ड है। तो काफी लोग ये देख पा रहे हैं, या तो क्राउड है या बैटलफील्ड है, या तो क्राउड है और या बैटलफील्ड है, या क्राउड है और बैटलफील्ड की डायरेक्शन में, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कॉमन गोल ध्यान में आता है या नहीं आता। कॉमन गोल तो ध्यान में नहीं आ रहा। तो जैसे अगर पूरे कॉलेज को देखें, 1000 बच्चे हैं और 50 फैकल्टी हैं, 100 फैकल्टी हैं और डायरेक्टर हैं और चेयरमैन है, क्या लगता है ये सारे जो है वो कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं या कुछ और ही चल रहा है। इस बात को एक्सप्लोर करना जरूरी है। समाज हम उसी को कहेंगे जहाँ पे लक्ष्य कॉमन है, अगर लक्ष्य कॉमन नहीं है तो फिर वो भीड़ जैसा है ना। इसी को समझने का प्रयास करना है। तो कॉमन गोल के बारे में जो आपके सामने है ना शेयर कर रहे हैं ये प्रपोजल, इसको समझने जाएं तो वो एक ह्यूमन का और एक पूरे समाज का क्या गोल दिखाई देता है। राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, है ना, नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है, सभी बच्चे समझदार हों या सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली ही समझदार हो, तो सभी बच्चे समझदार, हर परिवार में प्रोस्पेरिटी हो या कुछ परिवारों में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो, तो हर परिवार प्रोस्पेरस हो, समाज में फियरलेसनेस हो, समाज में ट्रस्ट हो या समाज में फियर का माहौल हो, भय का वातावरण हो, तो समाज में ट्रस्ट हो या फियरलेसनेस हो, नेचर में कोएग्जिस्टेंस हो या नेचर के ऊपर डोमिनेशन हो, तो नेचर के ऊपर तो नेचर के साथ तो कोएग्जिस्टेंस हो। तो अगर ठीक से देखें तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, नेचर के साथ क्या हो, कोएग्जिस्टेंस। सोसाइटी में फियर हो या फियरलेसनेस हो, तो फियरलेसनेस हो। नेचर में परिवारों में क्या चाहते हैं, खुशहाली हो या डेप्रिवेशन हो, तो खुशहाली हो। हर बच्चा समझदार हो या हेड ऑफ द फैमिली ही समझदार हो, तो हर बच्चा समझदार हो। तो ठीक से देखने जाएं क्या ये चारों गोल समाज में डिजायरेबल है या नहीं है, तो चारों गोल डिजायरेबल है। इसमें से कोई ऐसा भी गोल है जो अनडिजायरेबल है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर कीजिए। अगर ये चारों अचीव हो जाएं तो क्या उसमें से कुछ छूट जाएगा, इसको भी चेक कीजिए। क्या आज के दिन हम चारों पे काम कर रहे हैं, परिवार में या सोसाइटी में, या ज्यादा हम एक पे फोकस कर रहे हैं या एक या कुछ पे फोकस कर रहे हैं। आप इस बात को भी देखिए कि आज के दिन हम सब पे काम कर रहे हैं, और अगर चारों ही जरूरी हैं, चारों पे ही काम करना जरूरी है, तो प्रायोरिटी क्या होगी। तो ठीक से देखने जाए तो प्रायोरिटी क्या होगी, इसको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि चारों जरूरी हैं या कोई गैर जरूरी भी है। चारों पे हम काम कर रहे हैं आज के दिन, परिवार में या समाज में, या किसी एक या अधूरे पे लगे हुए हैं। इस बात को भी रिफ्लेक्ट करने की हमको कोशिश करनी है, इस बात को हम समझने का प्रयास करें कि आज के दिन जो है हम ज्यादा कहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, चारों गोल रिक्वायर्ड है या किसी को छोड़ सकते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेसनेस इन सोसाइटी या कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। तो चारों रिक्वायर्ड हैं या किसी को छोड़ सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर चारों अचीव हो जाएं तो उसमें से क्या छूट जाता है, तो उसमें कुछ और जरूरी है, अगर चारों अचीव हो जाएं तो कुछ और बचेगा, इसको भी देख सकते हैं। आज के दिन अगर हम चारों पे काम कर रहे हैं, परिवार में या कॉलेज में या सोसाइटी में, या फिर हम किसी एक या अधूरे पे काम कर रहे हैं, या फिर हम किसी पे भी काम नहीं कर रहे,
क्या लगता है, राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग पे काम हो रहा है? बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं सही समझ और सही फीलिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन में आगे निकलने के लिए पढ़ा रहे हैं? इस बात को भी आप महसूस करके देखिए कि चारों पे ही काम कर रहे हैं। और अगर शुरू करना है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, ये बात को भी देखिए, सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे? पहले समझ पे काम करेंगे या पहले पेड़ लगाएंगे? पहले समझ पे काम करेंगे या पहले जो है सोसाइटी पे काम करेंगे? पहले अपने परिवार में काम करेंगे या पहले समझ पे काम करेंगे? इस बात को भी देखा जाए, पहले कहाँ काम करेंगे? तो ठीक बात है, चारों की जरूरत है, इसमें से किसी को छोड़ नहीं सकते। और अगर चारों अचीव हो जाएं तो इसके अलावा ये भी ध्यान में नहीं आता कि कुछ और छूट जाता है ना? शुरू कहाँ से करेंगे, इसको देखने जाएं तो ये बात समझ में आती है कि पहले तो सही समझ पे ही काम करना है। जब तक आदमी की समझदारी नहीं है, जब तक ह्यूमन बीइंग का प्रिपरेशन नहीं है, तो अनप्रिपेयर्ड आदमी ना तो परिवार में जी पाता है और अनप्रिपेयर्ड आदमी ना तो सोसाइटी में जी पाता है ना? और अगर दूसरे लोग पेड़ लगाते भी हैं तो वो काट के घर ले आता है। तो ठीक से देखें तो पहले तो सही राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग पे ही काम करेंगे। तो एक बार राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग पे काम हो गया, तब हर बच्चा समझदार भी हो जाता है और अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन भी कर पाता है, प्रोस्पेरिटी के लिए भी काम कर पाता है। ठीक बात है, काफी लोग ये देख पा रहे हैं कि समझ के लिए काम करना बहुत जरूरी है ना? यहीं से शुरू करेंगे तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही जो है बच्चा प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर पाता है, और वही परिवार जो प्रोस्पेरस होता है वही समाज में फियरलेसनेस के लिए काम कर पाता है। जो पहले से ही डिप्राइव्ड परिवार है वो करोड़ों जमा कर चुका होता है और अरबों जमा करने के चक्कर में लगा रहता है, तो वो समाज में फियरलेसनेस का माहौल पैदा करता है या फियर पैदा करता है, इसको भी देख सकते हैं। तो प्रोस्पेरस परिवार ही जो है ना समाज में कंट्रीब्यूट कर पाता है, फियरलेसनेस के लिए काम कर पाता है, और ये फियरलेस समाज जो है ना ये नेचर का भी ध्यान रख पाता है। अगर हमारा रिश्ता दूसरे लोगों से ठीक ना चल रहा हो तो नेचर भी सबसे ज्यादा हम नेचर का मिसयूज करते रहते हैं। तो आज के दिन हम ये बात को देख सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल के लिए देखिए, घर में अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है और एक कमरे में एसी चल रहा है, तो ये कैसे तय होगा कि पहले कौन एसी को बंद करेगा? तो वो बोलेगा कि जिसके लिए एसी चलाया था वो बंद करे, वो बोलेगा जो खरीद के लाया था तो वो बंद करे। तो एसी का कोई नहीं बंद करता, एसी एसी का जो बिजली है वो वेस्ट होती रहती है ना? तो ठीक से देखे तो नेचर का दुरुपयोग इसीलिए होता है कि आदमी आदमी का संबंध ठीक नहीं है। आप बहुत बार इस बात को भी महसूस करेंगे कि जो लोग संबंध में तृप्त नहीं होते ना कहीं वो ही कंजम्पशन में लगे रहते हैं, खाने की कंजम्पशन करते रहते हैं, शॉपिंग में कंजम्पशन करते रहते हैं, मिसयूज करते रहते हैं रिसोर्सेज का। ये बात बहुत ही इंटरलिंक्ड है और धीरे धीरे जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको और पकड़ में आएगी, जो आदमी समझ से तृप्त नहीं होता, जो आदमी संबंधों में तृप्ति महसूस नहीं करता, वो आदमी ही जो है कंजम्पशन में लगा रहता है, वो आदमी ही नेचर का दुरुपयोग करता रहता है। जो आदमी संबंधों में भरा हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ जीने में तृप्त रहता है, उसको नेचर का भी दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं लगती। वो तो खुद में भरा रहता है और परिवार में जीते हुए, कॉलेज में जीते हुए खुद भी सुखी होता रहता है, दूसरों को भी सुखी करता रहता है। तो नेचर के साथ भी कोएग्जिस्टेंस तब कर पाते हैं जब राइट अंडरस्टैंडिंग का काम हो जाता है, प्रोस्पेरिटी का काम हो जाता है और फियरलेसनेस का काम हो जाता है ना? तो ये बात देख सकते हैं। तो ये चारों गोल की अगर प्रायोरिटी को देखने जाएं तो समझ नंबर वन पे दिखाई देती है, समझ के साथ फिर सुविधा यानी प्रोस्पेरिटी, ये नंबर टू पे, फिर समझ और संबंध, समझ और प्रोस्पेरिटी के साथ जो है फिर फियरलेसनेस समाज में, और उसके साथ फिर कोएग्जिस्टेंस। तो ये एक क्रम दिखाई देता है, ये एक ऑर्डर दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचर पे सबसे बाद में काम करेंगे, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हमारे अंदर समझदारी बनती जाती है, हम नेचर के अंदर पहले से ही इतनी एक सुंदरता है, एक व्यवस्था है, हम इसको महसूस कर पाते हैं, अप्रिशिएट कर पाते हैं, है ना, उसका भी ध्यान रख पाते हैं। इस बात को भी ठीक से देखना जरूरी है कि आज के दिन क्या चल रहा है सोसाइटी में। आज के दिन हम ये जो राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्पेरिटी, फियरलेसनेस और कोएग्जिस्टेंस एग्जामिनेशन कॉलेज में इसको पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में इसको पढ़ा रहे हैं, या शिक्षा में तो कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो ठीक से देखने जाए राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग के साथ बच्चे को बड़ा कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम अजम्पशंस दे रहे हैं, और उसमें से एक अजम्पशन ये है कि मनी इज एवरीथिंग। प्रोस्पेरिटी को पढ़ा रहे हैं या कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन पढ़ा रहे हैं, और फियरलेसनेस पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट पढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं डोमिनेशन एक्सप्लोइटेशन पढ़ा रहे हैं, या फियर पढ़ा रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट पढ़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं मास्टरी कर रहे हैं नेचर के ऊपर, एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। तो ठीक से देखें चाहते क्या है, तो कोएग्जिस्टेंस कर क्या रहे हैं, डोमिनेशन एक्सप्लोइटेशन या मास्टरी। तो हमको लग रहा है कि भाई ये जो नदी यहाँ क्या कर रही है, ये तो जो है हमारे दिल्ली से निकलनी चाहिए, ये पहाड़ यहाँ क्या कर रहा है, इसका तो मार्बल बनना चाहिए, मेरे घर में आना चाहिए,
ये कोयला धरती में क्या कर रहा है, ये पेट्रोल क्या कर रहा है, ये यूरेनियम क्या कर रहा है, ये इसको तो बाहर निकल के जलना चाहिए मेरी गाड़ी में, है ना। तो क्या कर रहे हैं, नेचर को नर्चर कर रहे हैं या नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? कर तो नर्चर रहे हैं, पढ़ा तो एक्सप्लॉयटेशन रहे हैं, है ना, लेकिन चाहते क्या है, तो चाहते तो नर्चर करना है। तो ये गैप है। सोसाइटी में क्या चाहते हैं, फियरलेसनेस हो या आदमी को बंदूकों के लाइसेंस लेने लगे लेने पड़े? तो चाहते तो फियरलेसनेस है, लेकिन कर क्या रहे हैं, तो डोमिनेट कर रहे हैं। तो हर बड़ा छोटे को डोमिनेट करने में लगा हुआ है, और वो छोटा वो अपने से छोटे को डोमिनेट करने में लगा हुआ है। तो कहीं हम डोमिनेशन कर रहे हैं और कहीं हम डोमिनेट हो रहे हैं। तो अपने बॉस से डोमिनेट हो जाते हैं, अपने स्टूडेंट पे डोमिनेट करने लग जाते हैं। वो स्टूडेंट जो है जब किसी पे डोमिनेट नहीं कर पाता, तो फोर्थ ईयर वाला जो है फर्स्ट ईयर पे करता है। फर्स्ट ईयर वाला कहीं कुछ नहीं कर पाता तो जाके कॉलेज का वॉश बेसन तोड़ देता है ना। तो ठीक से देखें, अभी बारे में देखें कि जब फादर बच्चे को गुस्सा करते हैं, मारते हैं, वो पलटवार तो नहीं कर पाता, लेकिन वो घर का कुछ नुकसान कर देता है, कुछ सामान तोड़ देता है। माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि भाई बच्चे ने जो है कहीं ना कहीं विद्रोह किया है, बच्चे को स्वीकार नहीं हो रहा, लेकिन हमको लगता है कि बच्चे ने गलती कर दी। तो ठीक से देखें, कहीं जहां हम डोमिनेशन चला पाते हैं वहां डोमिनेशन चला देते हैं, है ना, जहां हम डोमिनेशन नहीं चला पाते वहां डोमिनेट हो जाते हैं। चाहते क्या है, तो चाहते तो यह है कि एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ जी सके, लेकिन जो समाज में चल रहा है वो तो एक्सप्लॉयटेशन कर चल रहा है ना। फिर देखें, चाहते तो प्रोस्पेरिटी है, लेकिन हो क्या रहा है, एक्यूमुलेशन। चाहते राइट अंडरस्टैंडिंग है, हो क्या रहा है, एजम्पशंस। एजम्पशंस पढ़ा रहे हैं, मनी इज एवरीथिंग, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन चाहते क्या है, सही समझ और सही भाव। आउटकम देखेंगे तो आउटकम क्या आ रहा है, कोएग्जिस्टेंस को ना पढ़ाएं और मास्टरी और एक्सप्लॉयटेशन को पढ़ाएं, तो उसका आउटकम क्या आता है, रिसोर्स का डिप्लीशन और रिसोर्स का पोल्यूशन। जो दब धरती से हम कोयला निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं, बॉक्साइड निकाल लेते हैं, यूरेनियम निकाल लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिसोर्स का डिप्लीशन। और जब इन सारे चीजों को निकाल के हम धरती के ऊपर लाके जला देते हैं, तो उससे क्या होता है, रिसोर्स का पोल्यूशन। तो ओजोन लेयर फिर जो है धीरे धीरे घिसने लग जाती है। तो ये दो आउटकम आ रहे हैं, हमारे जो वर्ल्ड व्यू है, हमारी जो दृष्टि है, उसके दो वर्ल्ड आउटकम आ रहे हैं, रिसोर्स का डिप्लीशन और पोल्यूशन। सोसाइटी में देखने जाए तो डोमिनेशन पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन, उसका आउटकम क्या आ रहा है, टेररिज्म और वॉर, ये बढ़ता जा रहा है। प्रोस्पेरिटी पढ़ाना चाहते हैं, चाहते प्रोस्पेरिटी है, पढ़ा एक्यूमुलेशन रहे हैं, उसका आउटकम क्या आ रहा है, ऑब्सेशन फॉर कंजम्पशन। आज के दिन कंजम्पशन का जो रेट है वो अपने, है ना, अतिवाद में चला गया, एकदम पीक पे चला गया है। प्रॉफिट का ऑब्सेशन, आदमी प्रॉफिट के चक्कर में ही जो है पागल हो रहा है। फिर सेंसुअल प्लेजर्स का ऑब्सेशन, तो भोग करने का उन्माद, प्रॉफिट कमाने का उन्माद, और सेंसुअल प्लेजर को, है ना, भोगने का उन्माद, तो भोग का उन्माद, लाभ कमाने का उन्माद, और काम वासना का उन्माद, ये बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये बढ़ रहा है और ये अभी और बढ़ेगा। जब तक हम बच्चे के उस राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग से तैयार नहीं करेंगे, ये बढ़ेगा। इस बात को भी हमको रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि दोनों में से डिजायरेबल क्या है और आज के दिन क्या चल रहा है। तो सहज स्वीकार क्या है, नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है और क्या चल रहा है, इस बात को भी ठीक से जो है ना रिफ्लेक्ट किया जाए, एक्सप्लोरेशन किया जाए। क्या लगता है, वी आर मेकिंग एफर्ट फॉर जो है ए ह्यूमेन सोसाइटी विद क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल्स, और कहीं ना कहीं मैनेजिंग द प्रेजेंट सोसाइटी, ये जो हम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़िए, आप क्वेश्चन को एक मिनट रुक जाइए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसको महसूस करके देखिए कि आज के दिन हम एजुकेशन में क्या पढ़ा रहे हैं। ह्यूमेन सोसाइटी की बात पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे गोल की क्लैरिटी है, राइट अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी है कि हर बच्चा राइट अंडरस्टैंडिंग से भर जाए। प्रोस्पेरिटी को पढ़ा रहे हैं या कहीं ना कहीं वेल्थ को पढ़ा रहे हैं, एक्यूमुलेशन को पढ़ा रहे हैं। फिर फियरलेसनेस पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा रहे हैं। कोऑपरेशन कोएग्जिस्टेंस पढ़ा रहे हैं या कहीं ना कहीं नेचर के ऊपर मास्टरी करने में लगे हुए हैं, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन करने में लगे हुए हैं। तो इसको समझें कि आज हम करने क्या कर रहे हैं, है ना, और हम करना क्या चाहते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, इसमें ये है कि हम किस चीज के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ह्यूमेन सोसाइटी के लिए क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल्स के साथ एफर्ट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं प्रेजेंट सोसाइटी को ही हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं खींचतान के साथ, स्ट्रगल के साथ, है ना। इस बात को भी रिफ्लेक्ट किया जाए। तो ये तो बात ध्यान में आती है कि प्रेजेंट सोसाइटी को तो ट्रबल शूट करने का काम किया जा रहा है, मैनेज करने का काम किया जा रहा है। जैसे घर में भी देखें, घर में भी क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जी रहे हैं या कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, इसको अगर एग्जाम्पल से समझे, तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, वाइफ नाराज हो गई उसमें, और हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि चलो आज हम डिनर पे चलते हैं, उससे हम आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो हस्बैंड ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया,
या प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दिया। इस बात को समझा जाए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल कर आ गया, प्रॉब्लम ठीक हो गई, अभी भी नहीं होगी, या उस टाइम के जो है तो आगे होगा या नहीं होगा, ये आप रही कहीं ना कहीं परिवार को मैनेज करने काम करते हैं, गिफ्ट देर हम काम करते हैं, बट उनको हस्बैंड वाइफ को आपस में सुख समृद्धि के साथ जीना समझ में आ गया, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ जीना समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल हैप्पीनेस अगर समझ में आ जाए ना तो हम एक दूसरे को खुश करने का काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ सही समझ के साथ एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी से जीने का काम करते हैं, म्यूचुअल डेवलपमेंट का काम करते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का काम करते हैं। तो इस बात को भी जो है ना पहले अपने परिवार में देखें, फिर हम अपने उसी बात को समाज में देख सकते हैं। क्या लगता है समाज में ये जो चारों गोल्स हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रोस्पेरिटी, इस सब के लिए काम हो रहा है, फियरलेसनेस, कोएग्जिस्टेंस, या कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? तो अभी तो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये चारों गोल हमको स्वीकार हो जाते हैं, अगर वो चारों गोल हमको स्वीकार हो जाते हैं, फिर हमको ये पूछना है, ये समझना है कि कौन से और ऐसे पांच सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिनसे इन चार गोल्स को पूरा किया जा सकता है। तो ये पांच सिस्टम की बात ध्यान में आती है। तो पांच सिस्टम कौन कौन से हैं? एजुकेशन, संस्कार का सिस्टम, हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम, प्रोडक्शन और वर्क का सिस्टम, जस्टिस और प्रिजर्वेशन का सिस्टम, एक्सचेंज और स्टोरेज का सिस्टम। तो अगर हम इन पांच सिस्टम पे काम कर लें, इन पांच डायमेंशंस पे काम कर लें, तो हम इन चार गोल को पूरा कर सकते हैं। जैसे कौन से सिस्टम को कौन से डायमेंशन पे काम करने से कौन सा गोल पूरा होगा, जैसे एजुकेशन और संस्कार वाले डायमेंशन पे काम करने से कौन सा गोल पूरा होगा, तो राइट अंडरस्टैंडिंग का, राइट फीलिंग का। हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन और प्रोडक्शन और वर्क, अगर इन दोनों के ऊपर ज्वाइंट काम किया जाए, एक तो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, सेल्फ रेगुलेशन के साथ जिएंगे, और प्रोडक्शन में भी मन लगा पाएंगे, और राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ वो अपनी नीड का आइडेंटिफिकेशन भी काम कर पाएंगे और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। तो डायरेक्टली तो हेल्थ और रेगुलेशन के साथ, प्रोडक्शन और वर्क के साथ जब जोड़ के देखें तो डायरेक्टली तो दो नंबर का गोल यानी प्रोस्पेरिटी पूरा होता है, और इनडायरेक्टली फोर नंबर का गोल यानी कोएग्जिस्टेंस पूरा होगा। हम नेचर से बिना किसी कारण के इतना सारा सामान खोद खोद के नहीं निकालेंगे, हम उतना ही सामान निकालेंगे जितने की आवश्यकता है। तो नेचर का हम दोहन भी नहीं करेंगे, नेचर का हम एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं करेंगे। तो प्रोडक्शन, वर्क और हेल्थ और रेगुलेशन से ये दोनों गोल पूरे होंगे। जब हम जस्टिस के डायमेंशन पे काम करने जाते हैं, तो जस्टिस के डायमेंशन पे जब काम करते हैं तो समाज में फियरलेसनेस की स्थापना होती है। समाज में हर आदमी जो है ना निश्चिंत रूप से अपने गाँव में जी सकता है, अपने शहर में जी सकता है, उसको डर नहीं लगता, चाहे वो दिन में चल रहा है चाहे वो रात को चल रहा है, तो फियरलेसनेस के माहौल पे काम कर पाते हैं। तो ये जस्टिस के डायमेंशन हुआ। प्रिजर्वेशन का मतलब है हम प्रिजर्वेशन के डायमेंशन पे जब हम काम करते हैं तो नेचर को भी हम प्रिजर्व कर पाते हैं। नेचर में जो कोयला है, नेचर में जो तेल है, नेचर में जो पहाड़ है, नदियां हैं, हम इनको भी प्रिजर्व कर पाते हैं। इनसे जो लेना है उतने को ले लेते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए और उसकी भी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम बचा के रखते हैं। और एक्सचेंज और स्टोरेज पे जब हम काम करने जाते हैं तो एक्सचेंज से प्रोस्पेरिटी होती है। तो जो मेरे परिवारों में उत्पादन नहीं हुआ उसको मैं दूसरों से ले लेता हूँ, जो दूसरों के परिवारों में नहीं हुआ उसको मैं अपने तरफ से शेयर कर लेता हूँ। तो एक्सचेंज से प्रोस्पेरिटी होती है। और स्टोरेज का जब काम करने जाते हैं, तो उससे समाज में फियरलेसनेस होता है। तो अगर आज कहीं अनाज पैदा ना हुआ तो हम अनाज को स्टोरेज करके, जहाँ पे अगर अकाल पड़ रहा है, जहाँ अनाज पैदा नहीं हुआ, बाढ़ आ गई, तो हम उन तक भी पहुँचा देते हैं, है ना। हम होर्डिंग नहीं करते ताकि जब प्याज का रेट महंगा होगा तब हम बेचेंगे, जब टमाटर का रेट महंगा होगा तो हम होर्डिंग नहीं करेंगे। स्टोरेज तो करेंगे लेकिन हम होर्डिंग नहीं करते, स्टोरेज तो करेंगे बट हम एक्यूमुलेशन नहीं करते। तो अगर इन पांच डायमेंशन पे काम कर लें तो ये चारों गोल पूरे हो सकते हैं। इसमें से जो सबसे फंडामेंटल या फाउंडेशनल सिस्टम है वो तो एजुकेशन संस्कार का सिस्टम। इसका मतलब क्या, एजुकेशन संस्कार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर बच्चे को हम इन चारों गोल्स को समझ के जीने का एक ब्लूप्रिंट समझा सकते हैं। चारों गोल्स की क्लैरिटी हम हर बच्चे को दे सकते हैं शिक्षा के थ्रू। और शिक्षा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बाकी के जो चार डायमेंशन है उनके लिए हम प्रोफेशनल्स भी तैयार कर सकते हैं। हेल्थ के प्रोफेशनल, प्रोडक्शन के प्रोफेशनल, जस्टिस के प्रोफेशनल्स, एक्सचेंज स्टोरेज के प्रोफेशनल्स। तो इन चारों, तो इसलिए समझ में आता है कि जो एजुकेशन और संस्कार का काम है यही एक फंडामेंटल काम है। अब एजुकेशन और संस्कार के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन बाकी पे जो है टच अपॉन है ना करेंगे। तो एजुकेशन को अगर समझने जाएं तो टू डेवलप द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मनी एट ऑल लेवल्स ऑफ आवर बीइंग, फ्रॉम सेल्फ टू द एंटायर एग्जिस्टेंस, फ्रॉम इंडिविजुअल टू फैमिली टू सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस। तो ये एजुकेशन है।
एजुकेशन का मतलब है कि इन चारों की क्लैरिटी के साथ बच्चे को तैयार कर देना, ये एजुकेशन का काम है। संस्कार का काम है कि जो क्लैरिटी हमने बच्चे को शिक्षा के थ्रू दी, बच्चे का कमिटमेंट भी तैयार करें कि जो गोल हमने बच्चे को समझाया, अब बच्चा उस गोल को अपने जीने में भी लेकर आए, तो बच्चे का कमिटमेंट तैयार कराना, बच्चे की प्रिपरेशन भी कराना, बच्चे को प्रैक्टिस भी करवाना और बच्चे को स्किल्स और टेक्नोलॉजी भी सिखाना, ताकि वो चारों लेवल पे हारमनी में जी सके। तो शिक्षा और संस्कार, तो शिक्षा का मतलब है डेवलपिंग राइट्स अंडरस्टैंडिंग, ये शिक्षा है। संस्कार का मतलब है डेवलपिंग दी कमिटमेंट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस फॉर राइट लिविंग, और प्रिपरेशन का प्रिपरेशन में इंक्लूडेड है लर्निंग राइट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो शिक्षा और संस्कार इन दोनों का रोल है। तो बेसिकली तीन काम करने हैं, एक तो राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चे को तैयार करना है ना, वो विजडम या क्लैरिटी देनी है कि बच्चे को ये समझ में आए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। राइट फीलिंग का मतलब यह कि बच्चे में उस रिलेशनशिप में जी सके, उसकी कैपेसिटी को भी डेवलप करना है। फिर तीसरा है प्रोस्पेरिटी के लिए स्किल्स भी देनी है, ताकि बच्चा अपनी नीड की आइडेंटिफिकेशन कर सके और स्किल्स को सीख सके और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की प्रैक्टिस भी कर सके, ताकि बच्चा जो है प्रोस्पेरिटी की फीलिंग के साथ जी सके। तो इन तीनों कामों को भी एंश्योर करना जरूरी है। अब हम में से बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स भी हैं जो परिवार में बच्चों की परवरिश का काम भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बेसिकली क्या है, बच्चे का जो परवरिश का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस, अगर हम उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें, तो ये बहुत समझने का मुद्दा है कि बेसिकली डेवलपमेंट का प्रोसेस काम कैसे करता है। जब रिलेशनशिप के एनवायरनमेंट में हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखने जाएं, तो वो डेवलपमेंट का प्रोसेस काम कैसे करता है। डेवलपमेंट की थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, बट ठीक है। ठीक से देखें तो हर बच्चा किसी ना किसी परिवार में जन्म लेता है, परिवार से जुड़ा होता ही है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो स्कूल तक पहुंचता है, और स्कूल के बाद वो विश्वविद्यालय में आता है, लेकिन फाइनली जीने की जगह देखें तो वो समाज दिखाई देती है। बच्चे की अगर पूरी यात्रा को देखें, तो बच्चा जो है अनुसरण के साथ शुरू करता है, इमिटेशन के साथ शुरू करता है। अगर छोटे बच्चे को देखें, तो बच्चा जो होता है जब छोटा, तो माँ बाप जैसे करते हैं तो बच्चा भी वैसे करने लगता है। तो जैसे अगर हम अभी अपने बच्चे को देखें, हमारे बच्चा अभी 1 साल का है, उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो अगर हम फोन को कान में लगाते हैं तो कई बार वो डाटा कार्ड को उठा के कान में लगाने लग जाता है। उसको अगर कोई कंघी दिखाई देगी तो कंघी को उठा के जो है कान में लगाने लग जाएगा। तो बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा जो है वो इमिटेशन करता है, माँ बाप का इमिटेशन करता है, दादा दादी का इमिटेशन करता है। जैसा वो अपने आसपास घटित होता हुआ देखता है, उसका वो अनुसरण करता है। एक तो बात ये ध्यान में आती है, आप भी इस बात को देख सकते हैं कि ऐसा बच्चे करते हैं नहीं करते। तो बच्चे अपनी पूरी शरीर यात्रा को देखें तो शुरू कहाँ से करते हैं, तो इमिटेशन से शुरू करते हैं। फिर अगर ठीक से देखने जाए, अनुसरण के साथ साथ वो आगे चल के जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं 3-4 साल की उम्र तक, तो वो अनुकरण भी करने लगते हैं। अब उसमें अपनी इमेजिनेशन भी ऐड करने लगते हैं। तो पापा अगर पेन से कुछ लिखते हैं, तो पेन को लिखने के बाद अगर जो जेब में डाल लेते हैं, तो जिस स्टाइल से पापा जेब में पेन डालते हैं, बच्चा भी पेन को उठा के उसी स्टाइल से अपने टी शर्ट पे लगाने की कोशिश करता है ना। कभी टी शर्ट पे लगा पाता है, कभी अपने जो है पेट में लगा घुसा देता है। ये बच्चा जो है ये करता ही है, उसमें अपनी आप इमेजिनेशन भी जोड़ता है। तो पेन का ढक्कन जिस हिसाब से खोलते हैं, माँ बाप जिस हिसाब से बात करते हैं, बच्चा उसको कॉपी करता है, बच्चा उसको उस टोन को भी कॉपी करता है। तो माँ बाप अगर उंगली दिखा के बात करते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं चुप, तो बच्चा भी बोलता है चुप, और वो भी उंगली दिखाता है और वो भी उस तरह के एक्सप्रेशन करता है। बेसिकली क्या कर रहा है बच्चा, अब इमिटेशन तो कर रहा है, बट उसमें सारा जो है ना फॉलो भी कर रहा है, उसमें अपनी इमेजिनेशन को भी जोड़ने लग जाता है साथ साथ। और धीरे धीरे क्या करते हैं, जब हम बच्चे को रेस कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अब फॉलो के बाद हम बच्चे को जो है आज्ञाकारी बनाने की कोशिश करते हैं, ओबीडियंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी चीजें बच्चे को समझाते रहते हैं कि बेटा यहाँ जाना है, वहां नहीं जाना, ये खाना है, वो नहीं खाना, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना, दरवाजे के साथ नहीं जाना, बाहर नहीं निकल जाना। बहुत सारी चीजें हम बच्चे को बताने की कोशिश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट बोलना है, ये सब चीजें हम करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम आज्ञाकारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये हम करते हैं नहीं करते, आप इसको देख सकते हैं। तो हम आज्ञाकारी बनाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आज्ञा पालन बताते हैं बच्चे को कि आपने ये करना है, सुबह उठ के मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ये सब चीजें हम बताते रहते हैं, क्या ठीक है कैंडी। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी हो। यहाँ पे माँ बाप को ये देखना जरूरी है कि माँ बाप आज्ञा जो दे रहे हैं, क्या वो आज्ञा भी ठीक हो या ना हो, इसको भी समझना जरूरी है। कई बार माँ बाप ऐसी ऐसी आज्ञा देते रहते हैं कि वो आज्ञा ही फॉल्टी होती है। जैसे कई बार माँ बाप बोलते रहते हैं कि जो है जाओ बाहर से जो है सिगरेट का पैकेट ले आओ, अगर बच्चा सिगरेट का पैकेट खरीद के ले आए तो बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है,
अगर सिगरेट का पैकेट खरीद के नहीं लाए तो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, लेकिन क्या वो आज्ञा भी ठीक है? माँ बाप इसका अगर इवैल्यूएशन ना करें तो बच्चे में इस स्टेज में वो बहुत सारे गलत संस्कार डाल जाएंगे, है ना। जैसे कई बार बेल बजे और कोई आए घर पे और पापा का अगर मिलने का मन ना हो, संडे का दिन है और उनको नींद आ रही थी दोपहर को खाने के बाद और कोई आ गया, तो बच्चे को बोल देना कि बेटा बेटा जाओ, कोई जो भी आया उनको अंकल को बोल दो कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चा बोलता जी पापा, बच्चा गेट पे जाता है और बोलता है कि अंकल अंकल पापा कह रहे हैं कि पापा घर पे नहीं है, है ना। तो बच्चा क्या कर रहा है, बेसिकली फॉलो कर रहा है और आज्ञाकारी होने की कोशिश कर रहा है, बट माँ बाप ये नहीं देख पाते कि वो आज्ञा भी ठीक है कि नहीं है। लेकिन हम आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं तो हमारी आज्ञा भी ठीक हो। आज्ञाकारी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम बच्चे को अपने डिसिप्लिन करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे देखेंगे 4 से 5 साल की उम्र में, 6 साल में हम बहुत सारे डिसिप्लिन के पॉइंट बताते रहते हैं, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ब्रश कैसे करना है, दांत कैसे साफ करने, नहाना धोना, कपड़ा, बहुत कुछ बताते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है, हम बच्चों को अनुशासन सिखा रहे हैं और बच्चा साथ साथ स्कूल में भी आ गया है ना। अब जब बच्चा स्कूल में आ गया, अब आप इस स्टेज तक देखें तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि जब बच्चा अपनी शरीर यात्रा शुरू करता है तो अपने माँ बाप को आइडियल मान के शुरू करता है कि जो उनके माँ बाप कहते हैं, जो उनके माँ बाप करते हैं वो ठीक करते हैं। उसको सही और गलत का नोशन उतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तो बच्चा माँ बाप को तो श्रेष्ठ मान के शुरू करता है ना। धीरे धीरे जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वो ये देखता है, माँ बाप जब टीचर कुछ होमवर्क देते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसे करना है, बच्चा मना कर देता है, बच्चा बोलता है नहीं मैडम मेरे मम्मा तो ऐसे बताते हैं। तो वो क्या कह रहा है बेसिकली, तो अपने मम्मा को ही वो ठीक मानता है, तो मम्मा को ही वो आइडियल मानता है, उसी के साथ बात करता है कि मम्मा ने तो ऐसे बताया था, है ना। तो इस स्टेज वो है जब वो बेसिकली स्कूल की स्टेज में भी आ गया और उसका आज्ञा पालन का और डिसिप्लिन का काम चल रहा है। अब अगर ठीक से देखें तो ये स्टेज वो है जब बच्चे को जो है डिसिप्लिन करने में लगे हुए हैं और बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लग गया। लेकिन अगर माँ बाप के जीने में ही इनकंसिस्टेंसी हो, माँ बाप के जीने में ही आपस में मधुरता ना हो, सास ससुर के साथ अगर बनती ना हो, तो उस खींचतान के माहौल में बच्चा जो भी देखेगा वो उसी को करने लग जाएगा। होता क्या है कि बच्चे को अगर हम बहुत सारी आज्ञा दे रहे हैं और अगर हमारी आज्ञाकारी, हमारी आज्ञा ठीक नहीं है, अगर हमारी आज्ञा में एक डोमिनेशन है, एक अगर हमारी आज्ञा में जो है एक तरह का जो है डिसरिस्पेक्ट है, तो बच्चा जो है ना माँ बाप के बोलने में और माँ बाप के जीने में एक इनकंसिस्टेंसी देखने लगता है। बच्चे को वो ठीक नहीं लगता, वो गैप लगता है कि माँ बाप बोलते तो हैं बट माँ बाप जीते तो नहीं है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है। अब क्या होता है, ये जो आइडियल पहले माँ बाप थे, अब धीरे धीरे ये आइडियल जो है ना टीचर शिफ्ट होने लग जाते हैं। अब जब बच्चा घर आता है और बच्चा जब कुछ कहता है या कुछ करता है और माँ बाप जब कुछ कहते हैं तो वो अपनी मम्मी को बोलने लगता है कि नहीं मम्मा मेरे टीचर ने तो मुझे ऐसे बताया था, है ना, आप तो ये बता रहे हैं। तो अब आप देखेंगे ये पहला वो सिग्नल है जब आप ये समझ सकते हैं कि अब बच्चे के जो आइडियल हैं वो माँ बाप से शिफ्ट होके जो है टीचर पे चले गए हैं या टीचर पे जा रहे हैं। यही वो स्टेज है कि जब बच्चा का शिफ्टिंग हो रही है आइडियल की, क्योंकि आइडियल टीचर क्यों बन जाते हैं, क्योंकि टीचर का जो बच्चा देखता है वो सिर्फ बोलने वाला पार्ट देखता है, क्योंकि 6 घंटे टीचर के साथ है, टीचर का जीना नहीं देख रहा, माँ बाप का जीना भी देख रहा है और माँ बाप का बोलना भी देख रहा है और उसमें इनकंसिस्टेंसी देखता है। तो बच्चा जो है माँ बाप का टीचर का सिर्फ बोलना देखता है तो उसको ठीक लगता है, तो उसकी आइडियल की शिफ्टिंग होने लग जाती है। यहीं से वो बच्चे की एक एज ऐसे आने लग जाती है जब बच्चे के अंदर लॉजिक डेवलप होने लगता है, जब बच्चे के अंदर जो है क्यों डेवलप होने लग जाता है, तो जांच परख की प्रक्रिया शुरू होने लग गई है। अब बच्चा माँ बाप के जीने को भी देख रहा है, बच्चा टीचर के जीने को भी देख रहा है। इस वो प्रोसेस में ये वो जगह आ जाती है जब बच्चे के अंदर सेल्फ वेरिफिकेशन शुरू हो गया। अगर अब हम इस एज में बच्चों को जो हम डिसिप्लिन बता रहे थे, जो हम आज्ञाएं बता रहे थे, अब अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ उसको जोड़ दें, अगर हम उसको हर हर डिसिप्लिन का क्यों बता दें, तो बच्चा जो है ना उस डिसिप्लिन का क्यों भी देख पाता है और सेल्फ डिसिप्लिन हो पाता है। तो बच्चे को ब्रश क्यों करना है अगर हम इसका रीजन बता दें, तो बच्चा पहले तो कर रहा था, अब उसको करने का क्यों समझ में आता है, अब उसको पूरे बॉडी का जो ऑर्डरली सिस्टम है उसके साथ दांतों की वैल्यू समझ में आती है, बच्चे को नहाने का क्यों समझ में आता है, बच्चे को हाइजीनिकली साफ रहने का जो है क्यों समझ में आता है, बच्चे को होमवर्क करने का क्यों समझ में आता है, बच्चे को रिलेशनशिप का क्यों समझ में आता है। तो जो डिसिप्लिन हमने बताया था कि सभी को नमस्ते करना चाहिए, अगर बच्चे को अब हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन सिखा दिया तो बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन होने लग जाता है और बच्चा धीरे धीरे क्यों को देखने के बाद स्व अनुशासन में जाने लग जाता है, अपनी जिम्मेदारी पे चीजों को करने लग जाता है। अब माँ बाप कह रहे हैं इसीलिए ठीक है ऐसा नहीं है, टीचर कह रहे हैं इसीलिए ठीक है ऐसा नहीं है, अब बच्चे को भी दिख रहा है बाय द वे ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ये बात ठीक है,
तो बच्चा अब सेल्फ डिसिप्लिन होने की कोशिश कर रहा है, और जब बार बार इस सेल्फ डिसिप्लिन का वो अभ्यास करता है ना, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बच्चे के कॉन्फिडेंस में जाके जुड़ता है, और बच्चा जैसे जैसे जीने में क्लैरिटी पाता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भरने लगता है। तो यही वो जगह है जब आत्मविश्वास की बात पूरी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात पूरी होती है। तो जो बच्चा एजम्पशन के साथ शुरू कर रहा था, उस एजम्पशन से लेके अब फॉलो, ऑबिडियंस, डिसिप्लिन और सेल्फ वेरिफिकेशन के साथ जो सही का प्रस्ताव हमने बच्चों को दिया, उस सही के प्रस्ताव को जब बच्चों ने जांचा तो वो स्वानुशासित हो गए, सेल्फ डिसिप्लिन होने लग गए। जब बार बार वो उसका जीने में अभ्यास करते हैं तो वो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाके ऐड होता है, और बच्चे के मानने से शुरू होता है और जानने तक का काम पूरा होता है। तो ये जो काम है, ये अगर एक बार साइकिल हम सेल्फ वेरिफिकेशन का सही के प्रस्तावों को दे सकें, सही का वातावरण बच्चे को दे सकें, सही को करने का अवसर दे सकें, अपॉर्चुनिटी दे सकें, तो बच्चा ओबीडियंट को, ओबीडियंस को, डिसिप्लिन को जांच भी पाता है, उसके मेरिट को भी देख पाता है और सेल्फ डिसिप्लिन हो पाता है, लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस जगह पे आगे खड़ा हो जाता है। एक बार अगर बच्चा इस पूरी यात्रा को कर ले और यूनिवर्सिटी तक आते आते अगर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का काम पूरा हो जाए, यही बच्चा जब बड़े परिवार में यानी कि जब समाज में जीने जाएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जिएगा, और चारों जो सोसाइटी के गोल्स हैं, कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, प्रोस्पेरिटी इन फैमिली, राइट अंडरस्टैंडिंग इन इंडिविजुअल, सभी गोल्स की वो पूरी पूर्ति के लिए वो काम करेगा। तो हर जनरेशन जो है वो अगली जनरेशन जो है पहले वाली जनरेशन से ज्यादा डेवलप हो पाती है। तो बच्चा चारों लेवल पे ही हारमोनी को इंश्योर कर पाता है, चारों लेवल पे ही हारमोनी को जी पाता है। तो पहली जनरेशन से ज्यादा अच्छी अगली जनरेशन होती है, उससे ज्यादा अच्छी उसकी अगली जनरेशन होती है। तो ये तो एक सही का साइकिल है, ये तो एक पॉजिटिविटी का साइकिल है, कि अगर हम सेल्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस बच्चे में एक्टिवेट कर दें, सही का प्रस्ताव और वातावरण अगर हम बच्चे को दे दें, तो जो भी डिसिप्लिन हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन तक जा सकता है। अब उसके पीछे डंडा लेके और जो है विसल लेके उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। माँ बाप आंखों के सामने है तब भी बच्चा ठीक करेगा, और माँ बाप आंखों के सामने नहीं है बच्चा तब भी ठीक करेगा। बच्चा घर में है तब भी ठीक जिएगा, बच्चा अगर हॉस्टल में है तब भी वो ठीक जिएगा, बच्चा जब जॉब पे है वो तब भी ठीक जिएगा। तो है ना, ये प्रोसेस जो है ये एक ध्यान में आता है। अगर ये हमको समझ में ना आए, अगर ये माँ बाप को समझ में ना आए, तो क्या होता है, तो बच्चे को हम डिसिप्लिन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर माँ बाप के जीने में ही इनकंसिस्टेंसी हो, अगर माँ बाप का जीना ही जो आपस में रिलेशनशिप के साथ, फीलिंग के साथ नहीं है, और अगर सेल्फ वेरिफिकेशन का काम हम बच्चों को नहीं करा रहे हैं, तो बच्चे जो है ना बहुत सारा हम बच्चों को डूज एंड डोंट्स बताते रहते हैं, और उनको सही का वातावरण भी नहीं दे पाते, परिवार में ना दे पाते, ना कॉलेज में दे पाते, स्कूलों में दे पाते। तो होता क्या है, जब बच्चा इनकंसिस्टेंसी देखता है माता पिता के जीने में, तो माता पिता को अपना आइडियल नहीं देख पाता, और जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में भी जब टीचर का बोलना देखता रहता है बहुत समय तक, तो उसको धीरे धीरे ये भी समझने आने लग जाता है कि ये टीचर भी जो है ना ये बोलते तो रहते हैं लेकिन जीते तो ये भी नहीं है। तो अगर बच्चे टीचर के जीने को भी ना देखे, तो बच्चा ना तो माँ बाप को आइडियल देख पाता, ना वो टीचर को अपना आइडियल देख पाता, फिर वो सोशल मीडिया को ही देखता है, फिर वो यूट्यूब पे ही है ना को अपना दिखता है, फिर वो बॉलीवुड से इंस्पिरेशन लेता है, फिर वो फेसबुक से या ट्विटर से, अपने टिकटॉक से इंस्पिरेशन लेता है। तो धीरे धीरे बच्चे को जो है ना पोल माँ बाप के बारे में समझ में आती है, अब वो पोल टीचर के बारे में भी खुल जाती है, क्योंकि उसको ये समझ में आता है कि टीचर मॉरल साइंस तो बहुत बताते हैं लेकिन गुस्सा तो ये भी करते हैं, है ना, कंपटीशन तो ये भी करते हैं, परेशान तो ये भी होते हैं, दुखी तो ये भी होते हैं, डांटते तो ये भी हमें हैं। तो बच्चा जो है टीचर का बोलना और जीना भी मैच करके देखता है, तो उसको वो स्वीकार नहीं होता। तो घर में भी देखें, घर में भी सही का वातावरण ना मिले, और अगर स्कूल में भी सही का वातावरण ना मिले, तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे माहौल में बच्चा मनमानी में आ जाता है, बच्चा अपनी मर्जी करने लगता है, जो उसके मन में आता है वो उसको करने लगता है, क्योंकि अगर माँ बाप के जीने में नहीं देख रहा तो वो मनमानी करेगा। जब बच्चा मनमानी करता है तो माँ बाप को क्रोध आता है, कई बार वो माँ बाप को गुस्सा आता है, तो बच्चा मनमानी करता है तो माँ बाप डोमिनेट करते हैं, फिर बच्चा मनमानी करता है तो माँ बाप डोमिनेट करते हैं। तो मनमानी डोमिनेशन अगर इसका जो है सिलसिला चलने लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेशन जब होता है तो किसी को भी डोमिनेशन स्वीकार नहीं होता। तो बच्चे को माँ बाप डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, और ओए कह के बुलाते हैं, तू कह के बुलाते हैं, तो बच्चा जो है अपने अंदर अंदर जो है उबलने लग जाता है, माँ बाप के प्रति गुस्सा आएगा। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को कई बार अपने माँ बाप के व्यवहार को देख के गुस्सा आता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, वो अपने हाथों को, अगर उनके हाथ में प्लेट है, अगर उनके हाथ में खिलौना है, वो माँ बाप को तो मार तो नहीं पाते लेकिन वो जोर से धरती पे तो फेंक ही देते हैं,
उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने अंदर बच्चे के अंदर एक ऐसी फीलिंग चली गई है जो अपोजिशन फील कर रहा है, जो सफोकेशन फील कर रहा है, वो ध्रुव की फीलिंग में आ गया है। तो जब बच्चा ध्रुव की फीलिंग में आएगा तो उसका व्यवहार नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल हो जाएगा? तो उसका व्यवहार और एबनॉर्मल हो जाता है। तो जब उसका व्यवहार एबनॉर्मल होगा तो उसका व्यवहार जो है परिवार के अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा? तो जब उसका व्यवहार परिवार के प्रतिकूल होता है तो माँ बाप को और गुस्सा आता है, और माँ बाप को और गुस्सा आता है तो उनका डोमिनेशन और बढ़ता है। तो माँ बाप का डोमिनेशन बढ़ता है, बच्चे के अंदर अपोजिशन बढ़ता है। जब ये बढ़ने लग जाता है तो एक जगह ऐसी आ जाती है जब कॉलेज का समय आता है और बच्चा रिवोल्ट कर देता है, बच्चा अब अपने माँ बाप को जवाब देना शुरू कर देता है। तो जब बच्चा टीन एज में आना शुरू करता है, अब माँ बाप को वो पलटवार भी करने लग जाता है कि तुम कौन सा बहुत अच्छे हो, तुम कौन सा मुझे ऐसे बताते हो, तुम कौन सा ठीक जीते हो। तो वो पहली जगह आती है जो बच्चे के अंदर का द्रोह था, अब वो बड़ा हो गया और वो द्रोह जो है वो विस्फोट का रूप लेता है, वो फटने लग जाता है। अब माँ बाप को लगता है कि जब से ये बच्चा स्कूल चेंज किया है इसकी संगति खराब हो गई है, जब से ये बच्चा कॉलेज में गया है इसकी संगति खराब हो गई है। पर माँ बाप को ये समझ में नहीं आता कि संगति, ये बच्चा आज खराब हुआ ऐसा नहीं है, इसका बीज तो हमने बचपन में ही बो दिया था, जब हमने बचपन में उसके साथ डोमिनेशन करने की कोशिश की थी। तो ठीक से देखें तो माँ बाप तो बचपन में ही डाल देते हैं बहुत सारे संस्कार। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, तो एक बहुत छोटे में देखें, जब बच्चा हमारा 1 साल से भी कम का है, वो बच्चा खेलता है, बच्चा क्रॉल करता है, घर में खेल रहा है खिलौनों के साथ, टेबल पे खड़ा होने की कोशिश करता है, पहले कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है फिर खड़ा होता है, खेलते खेलते कई बार वो जब गिर जाता है और गिर के वो रोने लग जाता, तो क्या करते हैं बेसिकली बच्चे को वो ये बोलते हैं कि चींटी मर गई। तो बच्चे को ये प्री कंडीशनिंग चला जाती है कि अगर मैं दुखी हुआ तो उसके लिए मेरी गलती नहीं है, ये तो चींटी की गलती थी। आप इस बात को महसूस करके देखिए कि अगर बच्चे के रास्ते में चींटी आ गई या बच्चे की गलती थी कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाया। तो ये बात बच्चे को लगने लग जाती है कि अगर मैं दुखी हुआ तो जरूर उसके लिए कोई और जिम्मेदार है। तो यही बच्चा जब स्कूल में जाता है और पहली बार जब वो रोता है तो बोलता है, टीचर बोलती है जब चुप हो जाओ, तो बोलता है पहले इनको डांटो, पहले इससे सॉरी बुलवाओ, तो दूसरे बच्चों पे उंगली करता है। तो ये जो कंपटीशन का भाव है, ये जो अपोजिशन की फीलिंग है, ये कोई रातों रात नहीं आ गई, ये कोई कॉलेज में आके बिगड़ गया ऐसा नहीं है, इसका तो संस्कार माँ बाप ने पहले 2-3 साल में ही बो दिया था। तो अगर ठीक से देखें तो पहले 2-3 साल में ही बहुत सारे संस्कार का तो ट्रांसफर का काम तो हो जाता। तो ये कॉलेज में आके बिगड़ गया ऐसा नहीं है, बिगड़ने का बीज तो हमने रोपा था जब बच्चा छोटा था। अब बच्चा क्या करता है, जब कॉलेज आता है तो एक लेवल की इंडिपेंडेंस महसूस करता है और एक लेवल की मनमानी को करने की उसको आजादी मिल जाती है, और कॉलेज को भी कॉलेज चलाना है तो बहुत सारा वो कह भी नहीं पाते। तो फिर क्या करता है, बच्चा मनमानी में चला जाता है और माँ बाप को फोन करना भी बंद कर देता है। आप बहुत सारे माँ बाप ये फील कर सकते हैं, और अगर आप कॉलेज में भी देखें तो कई बार माँ बाप भी बोलते हैं कि जब से ये कॉलेज में आया है ये हमारे से बात नहीं करता, ये हमारे को फोन नहीं करता, और तब फोन करता है जब कॉलेज की फीस का टाइम आ जाता है, और वो भी पापा से डायरेक्ट बात नहीं करता, कई बार वो माँ से बात करता है और बोलता है कि पापा को बता देना कि फीस का टाइम आ गया है। अब मम्मी भी जो है वाया मीडिया बात करती है पापा से, और पहले पापा का मूड देखती है, क्योंकि अगर बेटे का नाम लिया तो इनके सारे अंदर का जो घाव है, सारे जख्म है, वो उभर के आने लग जाएंगे। तो जब बोलती है कि आज उसका फोन आया था बच्चे का, वो फीस मांग रहा था, तो उनको गुस्सा आ जाता है, कहते हैं इनको बता देना कि लास्ट बार फीस दे रहा हूँ, और अगर इस बार भी जो है इसने पास नहीं हुआ तो जो है फिर इसको कॉलेज से भी निकाल दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दूंगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये नहीं है कि बाप बाप ये चाहते हैं, बट बाप अपने जख्मों को बता रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे जो बेटे से एक्सपेक्टेशन थी, ट्रस्ट की, रिस्पेक्ट की, अफेक्शन की, वो मिल नहीं पा रही। उसको दुख उस बात का है, उसको फीस भरने का दुख नहीं है, बल्कि खिला के तो माँ बाप खुशी होते हैं, लेकिन ये सब संघर्ष चलता रहता है। और यही बच्चा जब कॉलेज में आता है तो 2 दिन के लिए वो कॉलेज से आता है, 2 दिन के लिए, तो उसमें भी माँ बाप बाप की और बेटे की लड़ाई हो जाती है, उसको अपना मैच देखना है, बाप को अपना न्यूज़ देखना है, तो दोनों रिमोट को छीनते हैं और लड़ पड़ते हैं। तो माँ फिर बच्चे को बोलती है कि तू कॉलेज से 15 दिन में एक बार आया कर, 1 महीने में एक बार आया कर, या जब तू अभी थोड़े दिन की बात है, फिर तू जॉब लग जाएगा तो तू बिजी हो जाएगा। जब वो जॉब लग जाता है और फिर जब वो आता है तो वो अब कमा रहा है, अब वो जब कमाने लग जाता है तो फिर अब उसका रिमोट कंट्रोल जो पहले पापा के हाथ में था वो उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन बाप तो बाप है, बाप का इतने साल का डोमिनेशन अगर ना जाए तो कई बार जो है बच्चे को वो फिर भी डोमिनेट करता है। तो जब लड़ते हैं तो माँ बोलती है अब तो तू कमा रहा है, अपना टीवी ले ले, फिर वो अपना टीवी ले लेता है और अपने कमरे में बैठता है।
तो इस तरह का संघर्ष चलता रहता है चलता रहता है, और धीरे धीरे उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका बच्चा होता है, फिर ये सारा साइकिल जो है और रिपीट होता रहता है। तो स्ट्रगल चलता है, वॉर चलता है। तो ठीक से देखें तो ये दो तरह के सिचुएशंस हैं। अगर बच्चे को हम डिसिप्लिन बता रहे हैं, अगर बच्चे में हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस एक्टिवेट कर दें, तब तब वो ये सही की जगह पे जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस में जाएगा। अगर बच्चे को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन ना सिखाएं, नेचुरल एक्सेप्टेंस किसे है ना तैयार ना करें, और अगर वातावरण भी ठीक से ना दे पाएं, कलेश का माहौल रहे घर में भी, झगड़े का माहौल रहे अगर स्कूल में भी, तो बच्चा मनमानी में चला जाएगा। फिर बच्चा द्रोह विद्रोह में आता है और स्ट्रगल चलता रहता है परिवारों में, और वो फाइनली वॉर में या बंटवारे में बदल जाता है। सो इन एन एनवायरमेंट ऑफ डोमिनेशन विद पेरेंट्स एंड टीचर्स लैकिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ये घटनाएं घटती रहती हैं। और इन एन एनवायरमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड टीचर्स हैविंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, ये अच्छा होता है। तो आप यहाँ पे ठीक से देखिए कि हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है और आज हम कहाँ खड़े हैं। इस बात को हमको ठीक से रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि क्या हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है। वट काइंड ऑफ एनवायरमेंट डू वी हैव टूडे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? ए फैमिली लाइक एनवायरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, फीलिंग्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, एफर्ट फॉर म्यूचुअल डेवलपमेंट, और एन एनवायरमेंट ऑफ डोमिनेशन, फियर्स एंड इंसेंटिव्स यूज्ड टू डिसिप्लिन, फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन, एफर्ट फॉर बींग अहेड ऑफ अदर्स। तो इसको पहले सुनिए एक बार, इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें रिफ्लेक्शन का पॉइंट ये है कि आज के दिन हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, फिर भरना है इसको। आज के दिन आपको परिवारों का एनवायरनमेंट कैसा दिखाई देता है, आज के दिन हमारे को कॉलेज का माहौल कैसा दिखाई देता है, हारमोनियस माहौल है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी का माहौल है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चल रहे हैं, म्यूचुअल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, या कहीं ना कहीं इंसेंटिव और फियर से हम बच्चे को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, कॉम्पिटिशन को प्रमोट कर रहे हैं, और जो है एक दूसरे से आगे निकलने का काम हो रहा है। तो पहले हम इसको पढ़ें, फिर हम इसको समझें कि आज के दिन एग्जैक्टली चल क्या रहा है, अपने अंदर देखें बेसिकली, और अपने सिचुएशन का एनालिसिस करें। ये आपके अपने लिए रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो इस बात को देख सकते हैं कि जो है आज का माहौल क्या है। आज तो बहुत जगह पे, सब जगह पे नहीं लेकिन बहुत जगह पे तो फियर का माहौल है, डोमिनेशन का माहौल है ना, पोजीशन का माहौल है। तो हम देख सकते हैं कि हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल क्या है। तो अगर ठीक से देखें, अगर इस राइट एजुकेशन संस्कार को, अगर इन तीनों कामों को हम इंश्योर कर दें, तो बच्चा जो है इस सारे प्रोसेस से बड़ा होता हुआ सेल्फ डिसिप्लिन की जगह पे जाएगा, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरेगा, फिर हर लेवल पे हारमोनी को जी सकेगा, अपने में भी, परिवार में भी, समाज में भी, नेचर और एक्सिस्टेंस में भी, है ना। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम, और जब इस बच्चे का परिवार बनेगा, इसके बच्चे अगर सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ जिएंगे, इसके बच्चों को अगर सही माहौल मिलेगा, तो ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी पहले वाली पीढ़ी से ज्यादा अच्छी होगी, और जो अगली पीढ़ी है वो उससे अगली पीढ़ी के, है ना, उस अगली पीढ़ी और ज्यादा अच्छी होगी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है ना संस्कारों का काम और अच्छा हो सकता है। आज देखें, अगर आज अगर हम अपने दादा दादी से अपना मैच करके देखें, हमारे दादा दादी जितने फीलिंग में मैच्योर थे और शरीर से जितने मजबूत थे, मेहनती थे, उतने हमारे माँ बाप नहीं है। हमारे माँ बाप जितने फीलिंग के मजबूत हैं और मेहनती हैं, उतने हम नहीं हैं, और जितने हम फीलिंग के मजबूत और मेहनती हैं, उतनी हमारी औलाद नहीं है। तो बेसिकली क्या है, ये तो एक डिग्रेडेशन वाला साइकिल चल रहा है, ये वाला साइकिल चल रहा है, ये नेगेटिविटी वाला साइकिल चल रहा है। डिसिप्लिन से सेल्फ डिसिप्लिन में आ सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन से जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो और मजबूत हो सकती है। तो ये तो जो बेसिकली है राइट एजुकेशन का काम है। इतने को डिटेल करके बोलना था, हेल्थ और सेल्फ रेगुलेशन के बारे में हमने जो है बात कर ही ली है, इन तीनों के बारे में बेसिक बात हमने अभी इसको रोक रहे हैं यहीं पे। हम कभी आप बड़े वर्कशॉप में आएंगे तो उसको करेंगे। अब अगर स्कोप की बात करें कि इन तीन, तो एक तो बात थी गोल की, तो गोल क्या है, तो गोल तो ये चारों दिखाई देते हैं। कितने सिस्टम पे काम करना है, तो इन पांच सिस्टम्स पे काम करना है, और उसमें से भी फाउंडेशनल सिस्टम क्या है, एजुकेशन संस्कार। इस सिस्टम का स्कोप कितना है, कितने वास्ट लेवल पे सिस्टम जाके डेवलप करने है, तो फैमिली ऑर्डर से शुरू करना है और वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक के सिस्टम पे बात होनी है। तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, तो फैमिली ऑर्डर से लेके यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर तक, और ये 10 से शुरू करके, 10-1 से शुरू करके 10 की पावर 10। इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी को समझदार होने में 10 साल लगते हैं,
और अगले 10 साल में वो 10 आदमी को समझदार करने में सहयोग कर पाता है, तो ये 10 आदमी अगले 10 साल में 100 आदमी को समझदार कर पाएंगे। अगर एक आदमी 10 को करता है, 10 आदमी 100 को करेंगे, और ये 100 आदमी एंड सो ऑन, तो अगले 100 सालों में यानी 10 की पावर 10 1000 करोड़ लोगों तक जो है हम इस विजन को लेकर जा सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो धरती के सिस्टम को पूरा बदलना, मानवीय व्यवस्था को तैयार करने में अगर 100 साल का समय देखें तो कोई ज्यादा समय नहीं है, तो ये डुएबल है। और यही चीज अगर हमारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए, यही चीजें अगर यूनाइटेड नेशंस में चली जाए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक में चली जाए, ये काम और तेजी से हो सकता है, तो और आसान हो सकता है। तो अगर सोसाइटी का समप देखें तो सोसाइटी का समप इतना है कि जो है सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर, है ना, विद ए कॉमन फोर कॉमन गोल इन ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट हैविंग कॉमन गोल। और गोल क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, ट्रस्ट इन सोसाइटी, कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। फैमिली इज द बेसिक यूनिट इन सोसाइटी। सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ फैमिलीज, ग्रुप ऑफ फैमिलीज, विलेज फैमिली, ग्रुप ऑफ विलेज फैमिलीज, टाउन फैमिली एंड सो ऑन, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड बाई कॉमन वैल्यूज, पार्टिसिपेटिंग इन द लार्जर ऑर्डर टूवर्ड ए कॉमन ह्यूमन गोल। ये परिवार है, ये समाज है। थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी फैमिली इन द सोसाइटी इन द 5 dimensions और इन सोशल सिस्टम्स, The common human goal is fulfilled for all. तो 5 dimension कौन से हैं ये? तो from family order to world family order, हम इन 5 dimension पे काम करके इन चारों goals को पूरा कर सकते हैं generation after generation. तो ये harmony in society की brief में बात है। कभी मौका मिलेगा बड़े workshop में तो उसमें हम detail में बात कर सकेंगे। अगर हम आज के comparison को देखें, current civilization को देखें, so current civilization is largely based on the assumption that human being equal to body, happiness is derived primarily from sensual pleasure and feeling from others, and hence accumulation of physical facility, domination and exploitation is at the core of socio-economic systems. तो आप देख सकते हैं कि naturally acceptable क्या है, ये 4 goal या ये red वाला, और आज के दिन शिक्षा का content क्या है, ये red वाला है या ये 4 goals है। तो इतनी बात जो है वो हमको हार्मनी इन सोसाइटी में कहनी थी, जिसमें ह्यूमन गोल के बारे में बात की, 5 dimensions के बारे में हमने बात की है, और उसमें से एजुकेशन संस्कार के बारे में बात की, हेल्थ और प्रोडक्शन के बारे में हमने बात, हेल्थ और रेगुलेशन के बारे में हमने बात परसों की थी, प्रोडक्शन वर्क और जस्टिस प्रिजर्वेशन और एक्सचेंज स्टोरेज के बारे में बात बहुत ब्रीफ होती है, बट इसको कभी हम लोग आगे कर लेंगे। तो इतना हार्मनी इन सोसाइटी के बारे में बात थी। तो अगर मोहित भैया और मोती भैया हैं तो एक बार आगे का क्वेश्चन आंसर ले लें, या फिर जो है कर लें और आगे के या वो नेचर वाला कब करेंगे? हाँ, मोती भैया हैं क्या एक बार?